पार्टी हो रहा था ना, पार्टी में हम लोग थे ऑलरेडी, काजल वहाँ बैठ के मानसी को खाना खिला रही थी, फिर बोली कि एक बार, हाँ एक चीज़ का हम कहना चाहेंगे, रुद्र भाई ने तभी देखो जो लोग छोड़ने आए थे वही लोग फिर ले जाने आ गए। तो दोस्तों अभी आ गए घर पे। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी करीब शाम का 5 बज चुका है ऑलरेडी, हमारा ट्रेन जो है एकदम अपने निर्धारित समय पे थावे हमें छोड़ने वाला है, क्योंकि बस 5 मिनट में थावे पहुंचेंगे हम लोग। और अभी ट्रेन में है, जैसे कि पिछले ब्लॉग में देखे थे, तो मानसी अपने लिए कुछ कॉपी जैसा कुछ खरीदवाई थी, ये किताब बुक्स है ABCD वाला। उस टाइम तो मैं सो गया था, मेरे को कुछ पता ही नहीं चला। ये क्या है बेटा? और ये देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। चलिए अब उतरेंगे, देखते रहे, स्लो हो रहा है ट्रेन। चलिए आप सब बने रहिए और घर पे चलते हैं, काफ़ी कुछ देखने को, काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा आप सबको, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं, चल चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी आ गया हमारा सिवान जंक्शन फाइनली, सॉरी थावे जंक्शन फाइनली, और चलिए अभी हम लोग उतरेंगे। काजल वाह बेटा, चलो आ जाओ, ये हमारा ट्रॉली बैग, इधर से निकल जाओ, ये वाला नजदीक है, इसको पकड़िए ना, हम बल्बो नहीं झा रहे। तो बालों में झा रहे क्या बात है, मजा आ गया। ये थी प्लेटफॉर्म। अरे मानसी मिल गया, चल ला ला लो रे दूध की कटोरी। कहाँ ले जाके रुकेगा भाई, एकदम उधर सीधा चढ़े तो उधर बन रहा है। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, इधर से देखो दौड़ रहा है सब कोई दौड़ रहा है। लास्ट यही है, रुकेगा भी, आराम से उतरते हैं, क्या दिक्कत है। तो अभी दोस्तों हम लोग उतर चुके हैं थावे जंक्शन पे, और चलिए उधर चलते हैं, चलो आओ। काफी लोग आए, बहुत लोग हैं जी, यहाँ खाली हो गया। बाप रे, मैं धक्का दिया लल्ला को, धक्का थोड़े ना दिए, वो बैग से थोड़ा सा लग गया था। चलिए फिर चलते हैं। तो लल्ला कैसे धक्का दे रही है बैग में, है ना, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए धक्का दे के ले चलती है, काजल पीछे से ले आ रही है। हाँ अनुज आया है, पता ना कहाँ है, मिल ही नहीं रहा मेरे को, कह रहा कहाँ है, आइए ये आ रही है। तभी देखो जो लोग छोड़ने आए थे वही लोग फिर ले जाने आ गए। तो चलिए चलते हैं, तीन दो गो बाइक बानू, चल चल। तो दोस्तों अभी आ गए घर पे, और अभी सबसे पहले आग जलाएंगे, क्योंकि पूरा हाथ इतना ज़्यादा ठंडा लगा है ना, हालत ख़राब है ना। अपना गाड़ी कहाँ है? अनुज के पास। अरे अनुज के पास मिल गया ताला। अभी उसी टाइम से चाबी ढूंढते ढूंढते बाबा का अड्डा का हमें पता चला कि कहाँ रखते हैं, तो अब जाके चाबी मिला तो खोल दिए ट्रॉली बैग, अभी बाहर रहिए, मिठाई लाए हैं बाबा के लिए, और बच्चे जो गए थे वो भी खाए थे। तो चलिए पानी बोतल रहने देते हैं, मानसी पापा सारा लाइट देखिए, कल दीप जलाए थे प्रिंस बाबू, बोल के गए थे कि पूरा घर को सजा दीजिएगा, तो मस्त पूजा उजा किए थे। अरे राम, चलिए हमारा घर देख सकते हैं, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही है, बाकी हीटर उटर, अरे मई हो जलाइए सुनो हीटर, इधर मैं मेहंदी लगाई थी ना, तो मैं पूछ दी थी कि मानसी का वही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और दोस्तों ये है नेक्स्ट डे, एंड अभी सुबह का टाइम हो गया, प्यार भरे गुड मॉर्निंग। और रात को तो हम आए थे तो अपने घर में नहीं दिखाए थे घर का कुछ भी, और क्योंकि रात को आए ठंड में बहुत ज़्यादा, और एक तो बाइक, जैसे कि मेरा वाला बाइक नहीं ले गया था अनुज, क्योंकि वो किसी और को छोड़ने ऑलरेडी गए थे 2-3 लड़के, तो मेरे से पूछे कि आ रहे हो क्या, हम बोले हाँ, तो बोले कि हम थावे हैं, हम बोले बस 2 मिनट में आ गए, हम भी वहीं उतरने वाले हैं, तो सोचे क्या मंगाएं,
तो फिर उसी बाइक से हम लोग आए थे, तो एक पे तीन लोग बैठ के और एक बैग लेके आए थे हमारा बड़ा वाला, और एक बाइक हमको दे दिए कि आप काजल मतलब आंटी को और आप और मानसी को बैठा के ले आओ धीरे धीरे। वो बाइक में मतलब ब्रेक था ही नहीं बिल्कुल। काजल बार बार ए माही आई माही अरे बाप रे, क्योंकि ब्रेक हाँ यहाँ ब्रेक लगा रहे हैं जाकर रुक रहा है कम से कम 100 मीटर के बाद, इस तरह का था। अब 20 के स्पीड में धीरे 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 धीरे, और उसका ना ही क्लच दब रहा है ना ही एक्सीलेटर मतलब कि घूम रहा है एकदम टाइट सारा कुछ इतना, और वो भी कोहरा गिर रहा था हल्का हल्का और उसका लाइट भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कहाँ लाइट जल रहा है उसका। वैसे ओवरटेकिंग तो हो ही नहीं रहा था, अगर आगे ट्रक है कम से कम 2 किलोमीटर ट्रक के पीछे पीछे आए, फिर बाद में बेचारा ट्रक वाले ने रोक लिया तब हम निकले धीरे। इतना ज्यादा ओवरटेकिंग होता है, हो ही नहीं रहा था। तो इस तरह से कैसे कैसे चला चला के आए, और रात को थक गए थे, ठंडा भी लग रहा था, तो आके खाना पीना बना के जल्द से जल्द सो गए, क्योंकि उस टाइम कुछ दिखाने का मौका नहीं मिला और थके हारे भी थे तो सो गए। तो चलिए आज दिखाते हैं आपका हम अपना घर कैसा है, और बाकी बाहर ले चलते हैं आपको, थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा दिखाते हैं, है ना। चलिए चलते हैं। तो क्या हो जाए देख रहे हैं, आ जाओ। ओ लो 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 आ जाओ आ जाओ। चप्पल पर काई लात धनी है। अच्छा गलती हो गया सॉरी, चप्पल पे लात रख दिया इसलिए, आ जाओ आ जाओ। ये देखिए यही नखड़ा है, इसी नखड़ा को हम दिखाना था। ठंडे में चप्पल लात धो के पार्टी पानी पानी कर देंगे, 20 बार गोड़ धोए को जाए रोवा कवर धो लेवे को, बियाने से 2 बार धो चुके हैं। ओहो गोड़ धो चुके हैं बाप रे। तो दोस्तों अभी बाहर का नजारा देख रहे हैं आप लोग, ये कोहरा अभी बहुत ज़्यादा था, हालांकि अभी कम हो गया है। लाइट देखो अभी भी जल रहा है, लाइट को बंद करना है अभी अंदर से। और ये वाला मेरे ख्याल से ना इस पर थोड़ा सा दिन बनता है, तो इसको जल्द से जल्द लिप ओप देते हैं ताकि अच्छा लगेगा, है ना। ऐसे मिट्टी डाल के चले गए थे हम लोग, अंदर से तो लिप दिए थे, है ना। और अभी काजल जा रही है इधर, कहाँ जा रही है, नहर देख रही है, नहर पूरा सफाई हो गया देख सकते हैं। अब आएगा पानी, अब पानी आएगा तो यहीं से काट के इधर बहाएंगे, घर में घुसा दें। तो यही सब चीजें हैं, आ जाओ इधर। और मतलब उतना भी ठंड लग नहीं रहा, हम तो शर्ट में घूम रहे हैं देख रहे हैं, क्यों नहीं लग रहा, वैसे है ठंड बहुत ज्यादा, हमको तो लग रहा है भाई। और ये हमारा न्यू घर इधर, तेरे पालो ज्यादा नहीं लटक गई कुछ, हाँ नहीं इतना ही सटा था, हवा तो चला ही है, ऊपर से खाली ईंट रखा है बांधे थोड़े ना। तो अभी देखिए अंदर भाग के आ गए जल्दी से, क्योंकि ठंडा लगने लगा, फिर कुछ देर खड़े रहे ना। हाँ तो आप सबका ना मतलब कि ये सवाल काफी ज्यादा था कि आप लोग क्यों जल्दी चले आए, और कुछ लोग मतलब कि गलत भी कमेंट कर रहे थे कि तुम लोग को जल्दी ही आना है चाहिए, वहाँ कौन रुकेगा तुम्हें ये वो करके ऐसे ही। तो हम बता देते कि आज पूरी सच्चाई बता रहे हैं कि क्यों चले आए हम लोग जल्द से जल्द, और क्यों नहीं रुके, और क्या रीज़न थे। तो देखिए हमारा क्या था ना कि आज जो कल कितना तारीख था, 23 तारीख, कल 23 तारीख था और आज है 24 तारीख। तो क्या था ना कि हम लोग जब पार्टी हो रहा था ना, पार्टी में हम लोग थे ऑलरेडी, काजल वहाँ बैठ के मानसी को खाना खिला रही थी, फिर बोली कि एक बार टिकट देखिएगा कब का है खाली। तो हम देखे तो उसी दिन का यानी 23 तारीख का ही, मतलब 22 को पार्टी था तो रात में 2 बजे देखे थे ना शायद, है ना। तो वो 23 हो गया, तो हम देखे तो उसी दिन का खाली था ओनली, खाली क्या था उसी दिन ट्रेन ही था हमारे यहाँ का, और उसके बाद से 2 दिन के बाद ट्रेन था। 2 दिन पता ना मतलब ठंड की वजह से क्यों नहीं आया, अब नहीं वो शायद ये सही चलता है, सप्ताह में 2 दिन शायद नहीं चलता है, और ये थावे से टाटा नगर जाता है, तो ये 2 दिन नहीं था ट्रेन। तो हम सोचे कि अगर आज नहीं जाते हैं तो फिर कल भी नहीं जाना पड़ेगा, फिर परसों भी नहीं जाना पड़ेगा, और फिर हमारे घर पे भी बहुत ज़्यादा काम था, इधर मम्मी भी आई हुई हैं पता ना क्यों, वो सब बताएंगे अगले वीडियो में। तो बहुत सारे सारे रीज़न को देखते हुए हम लोगों ने उसी रात को टिकट कर लिया था मैंने, और हालांकि उस टाइम किसी से नहीं बताया था बट टिकट कर लिया था, क्योंकि हम भी सोचे कि पार्टी ख़त्म हो जाए तो फिर करेंगे क्या, है ना। तो ठंडे में तो कहीं घूमने वूमने जाने का प्लान बन नहीं सकता, सबके पास बच्चे हैं। और जो लोग रुके वो दूर से, दूर वाले लोग रुके हैं, जैसे मिष्टु भाई रुके हैं, शाश्वत भैया रुके हैं, तो
इनका दूर अपना, है अपना अपना सुविधा है, तो हाँ बाकी दूर है। और दूर वाले लोग थोड़ा सा रेस्ट के लिए रुके हैं और हम लोग नहीं रुके क्योंकि हमारा ट्रेन ही नहीं था दो दिन का, भी तबीयत ठीक नहीं था तो हम सोच रहे थे कब पार्टी भी थे कि और आप लोगों को भी देखा होगा कि हम लोग मानसिक के लिए दवाई वाई खिला रहे थे क्योंकि उस दिन ठीक हुई थी जिस दिन हम लोग मतलब पार्टी था, हाँ पार्टी था उस दिन ठीक हुई थी, नहीं तो उससे पहले बुखार ही नहीं टूटा था, यहीं से बुखार आ गया था, यहाँ भी हम लोग दवाई कराए थे, इंजेक्शन भी लगा था, ठीक हो गए थे यहाँ एकदम कर, तो हम दवा भी लेकर नहीं जाने वाले थे, फिर सोचे रख लेते हैं, फिर वही दवाई वहाँ खिला रहे थे तो आ रहा था जा रहा था, फिर डॉक्टर साहब से बोले तो वो एक छोटा सा मेडिसिन दिए है ना गोली, तो उसको तोड़ के खिलाए तो ठीक हो गए, तब से ठीक है, तब से ठीक है, दो टाइम खिलाए उसको, अभी सो रहे मन से पीछे। तो यही रीजन था दोस्तों कि हम लोग चले आए, और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग क्यों नहीं रुके, आप लोग भी कमेंट मत कीजिएगा, और आप लोगों तो जो दिखता है उस पर कमेंट करते हैं तो उसमें कोई बड़ी गलत भी नहीं है कुछ चीज़ें, तो इसलिए हम लोग चले आए थे, और आते आते रात हो गया एकदम पूरा है ना, रात मतलब 6 बज रहा था लेकिन पूरा अंधेरा था, तो ठंड के दिन में ऐसे ही होता है, मतलब पूरा कोहरा, हमारा लाइट भी नहीं काम कर रहा था बाइक का। और ट्रेन में तो हम वहीं सोए, उसके बाद से उठे सिवान में, तुम आप ही उठाए थे कि सिवान जंक्शन आ गया कुछ लाइए खाने के लिए, भूख लग गया था। तो उस टाइम हम उठे थे, मतलब कितना दूर, मतलब 4 घंटा समथिंग सोया था, मैं नहीं सो पाती हूँ कहीं क्योंकि हमको टेंशन आता है मानसिक सोइए, फिर फोन सामान इधर से उधर सारा चीज, तो मैं नहीं सो पाती हूँ, तो ऊपर जाकर सो जाते हैं, मैं तो ऊपर जाकर ऊपर वाले सीट पर सो गया था, इसलिए मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले यही उठाए थे तो उठी थी क्योंकि नींद नहीं खुल रहा था, आंखें नहीं खुल रहा था, अभी भी ये दर्द कर रहा, अभी मैंने उठाया जस्ट। और हाँ एक चीज का हम कहना चाहेंगे, रुद्र भाई ने बहुत अच्छे से सारे कुछ किया है, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया है, अकेले जो मैनेज करता है उन्हीं को पता होता है, खासकर पार्टी वार्टी, तो इसलिए हम क्या किए ना कि क्या कर रहे हो, तो मतलब कहने का मतलब का अकेले जब पार्टी होता है ना, अकेले इंसान के शरीर पे लोड रहता है ना, तो उसको ही पता होता है, हर चीज का टेंशन रहता है, किसी का कोई दिक्कत, और घर पे करो तो वो टेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि घर पे क्या है कि हमारे जितने मेहमान है उनको तो लेके चलना ही पड़ता है, खाना पीना सब देखना पड़ता है, प्लस गाँव को भी लेके चलना पड़ता है हर एक चीज को, तो इसमें और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, बट बहुत अच्छे से मैनेज किया उन्होंने और बहुत अच्छे से हमें रखा, बहुत अच्छे से सभी को ट्रीट किए, एक सम्मान, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया पार्टी में, काफ़ी लोग डांस किए, हम लोग भी कपल डांस किए थे, करना नहीं आता हम लोग, लास्ट में पेपर जब फोल्ड कर दिया था ना एकदम छोटा सा था, उस पर क्या आता है गोद में उठाना होता, और गोद में हम उठाते तो पक्का लेके गिरते, प्रिंस भाई तो गिरते गिरते बचे, नई नई दुल्हन को लेके गिर रहे थे वो, तो हम उन्हीं को देख के हम डर के मारे उठाए ही नहीं, क्योंकि हम तो गिरते तो काजल का दांत टूट जाता, हम इतना भारी है देखिए कैसे बोल रहे हैं, आप भारी नहीं हो, हम ही कमजोर हैं समझो, तो काबिल मतलब तो मिस्टर भाई तो उठा लिए थे एकदम, तो उसका एक नहीं, ये भी उठा लेते लेकिन होता है ना हंसी से आधा बल गया, हाँ मैं बहुत ज्यादा हंसने लगता, मैं उठाने से पहले हंसने लगा, उठाने से पहले ही हंसने लगा था, नहीं तो घर और... में तो बात में उठा के खिलाते हैं, हाँ और ऐसे वहाँ पे उठाता ना उतने लोगों के सामने, तो मैं हंसते हंसते ले गिर जाता, हालांकि उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तो उठा ही लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे हंसी आ जाता मेरे को अधब से गिर जाता, जब प्रिंस भाई गिर गए, नहीं लेके गिर तो भी हंसी के कारण, हाँ हंसी के कारण, मतलब हंसते हंसते, क्योंकि हंसने में क्या होता है ना एनर्जी खत्म हो जाता है, बहुत मजा आया था यार, चेयर वाला भी खेले थे, काफी मजा आया, मतलब लेडीज जेंट्स दोनों लोग खेले थे, और फिर कपल वाले में मजा आ गया, पहली बार खेले थे तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, और कपल वाले में हम लोग हिस्सा नहीं लेने वाले थे, फिर बाद में सोचे चलो हम भी खेलते हैं, देख हमें रूल्स पता ही नहीं था क्या करना पड़ेगा, तो चलिए बहुत मजा आया, काफी इंजॉय वाला पल बनाइए, काफी यादगार पल, एंड वहाँ पे जितने लोग आए उनको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, काफ़ी अच्छे से मज़ा आया, रुद्र भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से पार्टी अरेंजमेंट की, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।